जे निजाम जहां जंगल का कानून है, इंशाल्लाह जो छह जजेज ने अदलिया की आवाज उठाई है, हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह कल देखना जो सुबह वोट लिया गया है उसके लिए हम तमाम वकला यहां जमा होंगे और हमारे और पार्टी उसके साथ है जो पार्टी को डिवाइड करता है दूसरे रुख पे ले जाता है वो हमने से नहीं है। हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे, आप लोग नजरें रखें कि क्या तक में कौन कौन हमारे साथ रहती है। अच्छा, सर मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मैं इसको खुद का हलफ देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को उठाने वाले आप हैं, लेकिन आज जो आपके पाँव खींचने वाले हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? उनको मैं यही कह रहा हूँ तमाम को जी ये खान को और पीटीआई को एहतजाज की जरूरत है। ये पांव कहेंगे के बजाय आए नून का मुकाबला करें, सिस्तायत का मुकाबला करें, रोडों पे निकले। लीडरशिप को मैं कहता हूं और वर्कर्स को कहता हूं सोशल मीडिया पे नजर रखें, ये हमारे एहतजाज को कमजोर करने की साजिश है। जो हमारे साथ एहतजाज में नहीं निकल सकते आज भी डर रहा है वो लीडर नहीं हो सकता, वो खान का टाइगर नहीं हो सकता है, वो कोई इंतहाई बुजदिल बिल्ली बकरी हो सकती है। दो दिन पहले में से नहीं हो सकता। दो दिन पहले रावलपिंडी में पीटीआई के वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, उसमें 10 लोगों को वो सरदार जहीन साहब की क्यादत में रैली थी उनको गिरफ्तार किया गया, एफआईआर हुई थी, तो आप क्या समझते हैं वो पुरमन थे? ये पंजाब में जी मोहतरमा बेटी इसलिए है जी जी और वो तो अब चैलेंज भी कर रहे हैं, ये एहतजाज करें हम देखते हैं, हमें एहतजाज करें आप हमें देखें। अच्छा, जी ये आज जो मेरे गौर साहब खान साहब से आएंगे वो बताएंगे। सर अभी आपने कहा कि आपके जूतों में आपके बूट में कोई और पाउंड डाल के बैठा है नून लीग, सर वो बूट आप ही के हैं किसी और के? हमारे पास तो चप्पल भी नहीं छोड़ी इन्होंने और ये लोग जो है हाथों में भी बूट पकड़े हुए हैं और पाओ में तो है ही बूट। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की असिस्टेंट कह रही थी कि अली अमीन गंडापुर वहां पे आटा बांटने की वो स्कीम नहीं है और मरियम नवाज साहिबा घरों घरों में राशन बांट रही है, बहुत बड़ा कारनामा है, इसको क्या समझते हैं सर आप? ये जो आप देखे ना मोहतरमा आजकल पंजाब में जो अदाकारी कर रही है, कभी खातून को गले लगाती हुई टस में बाह रही है, कभी पूल लगा रही है, ये एक दिन ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। और ये जो है ना ये अदाकारी सदाकारी ये बहुत जल्द जो है ना रीबाउंस होगी। सर आज जिसको अदाकारी ने बयान दिया है कि जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है अब आपको रिलीफ नहीं दे सकते, तो आप एज ए पीटीआई लीडर को कैसे देखते हैं इस बयान को कि मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है? किसने ये बयान दिए? अजा सर वजीर दफा ने बोला था सर, ख्वाजा आसिफ अगर खुद ही अपने मुल्क को दिवालिया करार दे रहा है ये दिमागी तौर पे दिवालिया हुआ होगा। अच्छा सर मुझे जनरल नॉलेज के लिए ये बता दें, एक बंदा अगर हारा हुआ हो वो कुराने पाक पे हलफ लेके असेंबली का मेंबर बनता है और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह करम करेगा, तो अल्लाह ऐसी सूरत में करम करेगा या क्या करेगा? देखिए जी इस वक्त तो इनके लगता ये है ये रियाना डार का मैंडेट चोरी किए असेंबली में बैठा हुआ है और आगे से ये जो बातें कर रहे हैं बयान दाग रहे हैं सूट नहीं करता है और इन पे अल्लाह रहम करेगा। जिन्होंने पूरे पाकिस्तानियों पे रहम नहीं किया, जिन्होंने बच्चों को नहीं जोड़ा, औरतों को घसीटा, अभी भी आज सुना है कि सनम जावेद और
जो दीगर खवातीन का 14 दिन का रिमांड दिए किसी जज ने, अल्लाह रमजान के तो फेल ऐसे जजों को भी रह रास्त पे लाए। सर आप जिसका अपना पर्सनल केस था, मरियम नवाज साहिबा का नाम आपने टारगेट किया कि मेरे नाम पर आप सिपारी दी गई है, उस हवाले से और आप अपनी सिक्योरिटी का केयर कर रहे हैं आप मजीद? सिक्योरिटी आप लोग है ना, कुछ आएगा इकट्ठे, मतलब सर जिसको आप ये कि 8 के 8 जज साहिबान को आया है, ये ऐसी हरकतें माजी में नून करती आई है। और मेरा ख्याल है कि कल जो सजा मुअत्तल हुई है तो पूरे हाई कोर्ट को इन्होंने धमकी दी है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। ये PMLN जो है, जिस तरह पंजाब में आजकल कर रहे हैं या 2 सालों से कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी की वारदातें हैं, दहशतगर्दी आवाम के साथ करते आए हैं। इन्होंने हमेशा जज साहिबान को ब्लैकमेल किया है, जज साहब के साहिबान के खिलाफ फर्जा सराइयां की हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए, ये इनका तरीका वारदात रहा है। तो लिहाजा कल जो सजा मुअत्तल हुई है, अब मुअत्तली के बाद ये पहला रद्दअमल इनका आया है, आप लोग गवाह रहे हैं। ये और इनकी लीडरशिप इन 6 जज साहिबान के खत के लेटर पे इंतहाई गैर अखलाकी रवैया अपनाएगी, इनसे वाबस्ता वकला जो है बार कौंसिल और बार एसोसिएशन में सियासत करते फिर रहे हैं, अदलिया की पुश्त में इकट्ठा करके वकला को कड़ा होने के बजाय ये उनको तकसीम कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जज साहिबान के खिलाफ जो कैंपेन हुकूमत ने शुरू किए हैं, बिलखसूस 6 जज साहिबान, देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काज नहीं है अकेले, ये पूरी कौम का, तमाम सियासी पार्टीज का काज है। लिहाजा हम बहसीत पाकिस्तानी बहसीत वकील इन जज साहब की साहिबान की हिमायत कर रहे हैं। 6 तारीख की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तैयारी है सर? 6 तारीख में आज चेयरमैन साहब गए थे खान साहब से मिलने, मैं अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से न जा सका, वो आएंगे तो बताएंगे। सर ये बताइएगा कि नून लीग की जाने से कहा जा रहा है कि इस वक्त जजेस के खिलाफ ये जो मुहिम चलाई जा रही है और किसी पार्टी के एजेंडे पर है, आप पार्टी का एजेंडा कह रही है, वो पार्टी एजेंडा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? नून से ये तवक्को करना कि अखलाकियात या कानून या कानून की हुक्मरानी के लिए बात करें, ये आबस है। सर आप ये मैंडेट जो रहे हमारे ही सूझ में इन्होंने अपने पांव डाले हुए हैं। सर खान साहब ईद आवाम के साथ कर सकेगी या जेल में करेंगे सर? क्या हमें तवक्को है कि खान साहब ईद अपने के अंदर जो इंतखाबात, देखिए ये नहीं चाहते हैं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में हमारे ये 9 वोट काउंट होते, इस वजह से हमें कंपटीशन से आउट करने के लिए इन्होंने ये हर बात आया है। सर लॉन्ग मार्च की तैयारी है खान साहब की आजादी के लिए, जो पार्टी वर्कर्स भी कह रहे हैं जो इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाबस्ता तमाम लोग ये सुन रहे हैं जी, आज कल खान को PTI को जरूरत है एहतजाज की और मुजाहमत की। बिल्कुल, जो एहतजाज की बात करता है वो पार्टी का लीडर है और पार्टी उसके साथ है, जो पार्टी को डिवाइड करता है दूसरे रुख पे ले जाता है वो हमने से नहीं है। हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे, आप लोग नजरें रखें।